यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या आपको डायबिटीज़ है और आप मीठा खाना चाहते हैं, या फिर जो लोग शक्कर के नुकसानों को जानकर उसका कोई बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए स्टाविया सबसे बेहतर विकल्प है। स्टाविया, जिसे मीठी तुलसी भी कहा जाता है, इसका सबसे पहले प्रसार जापान में हुआ। स्टाविया के पत्ते तुलसी जैसे दिखते हैं, इसके लिए इसे मीठी तुलसी भी कहा जाता है। इसी तरह इसके अन्य नाम हैं मधुरगुना या हनी प्लांट। इसकी विशेषता यह है कि यह शक्कर के मुकाबले 200 से 300 गुना अधिक मीठा होता है, और इसकी वजह है कि इसके भीतर में कई ऐसे पदार्थ हैं, अंश हैं, जिन्हें ग्लूकोसाइड कहा जाता है, वे इसकी पत्ती को मीठा बनाते हैं। स्टाविया चूंकि प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो जाहिर है कि इसके गुण किसी भी आर्टिफिशियल मिठास पैदा करने वाली चीज़ों से बेहतर होंगे। आज शक्कर के विकल्प के रूप में एस्पार्टेम, सैक्रीन, सुक्रालोज और ग्लूकोज के कुछ अन्य घटक, जिनके डाइजेशन के लिए, एब्सॉर्प्शन के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, शक्कर के विकल्प के रूप में पाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर ये सारे सिंथेटिक हैं। इसलिए स्टाविया ही एक प्राकृतिक स्वीटनर है। स्टाविया अन्य स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर के मुकाबले बेहतर क्यों है? पहली बात तो यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। इससे अन्य स्वीटनर की तरह दांतों में कैविटीज़ नहीं होती है। इसके अलावा इसके जो खेती होती है उसके लिए कोई विशेष ऊर्जा या प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस तरह गन्ने के खेती में काफ़ी कुछ प्राकृतिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, इसके उगाने में, इसकी खेती में ऐसा बहुत कम होता है। स्टाविया न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसकी वर्सेटैलिटी है, मतलब यह किसी भी रूप में ढल जाता है। आप इसे चीज़ों के उबालते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में कोई चीज़ को ठंडा करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके सामान्य भोजन में मिठास पैदा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यही नहीं, स्टाविया के भीतर विटामिन्स, मिनरल्स और कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपको कई तरह के अन्य फायदे भी पहुंचाते हैं। स्टाविया इस्तेमाल करने के और फायदे इस तरह हैं कि यह ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, तो जिन्हें हाइपरटेंशन की बीमारी हो उनमें भी यह फायदा करता है। इसके अलावा यह मोटापा कम करता है, गैस और एसिडिटी भी इससे कम होती है। इसके लंबे इस्तेमाल से पाया गया है कि यह पैनक्रियास के कैंसर को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह त्वचा की कई बीमारियों को भी दूर करने में सक्षम है। स्टाविया को सन 2015 में इंडियन फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मानकों को तय करता है, उसने एक स्वीटनर के रूप में इसे मान्यता दी है, जिसकी वजह से आज कई खाद्य वस्तुओं में, जिन्हें शुगर फ्री या
स्वीटनर की ज़रूरत होती है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि अब तो कई दूध बनाने वाली कंपनियाँ जो पहले दूध में शक्कर डाला करती थी, अब वे स्टाविया का इस्तेमाल करने लगी हैं। स्टाविया आपको कई रूपों में मिलता है, इसकी गोली बनती है, इसके ड्रॉप्स बनते हैं और यह पाउडर के रूप में भी मिलता है। स्टाविया का जो घटक है उसमें कड़वापन होता है, जिसकी वजह से उसको लेने के कुछ समय के बाद आपका मुंह कड़वा हो जाता है, मगर अब आधुनिक प्रोसेस के द्वारा उस कड़वेपन को दूर कर ऐसा स्टाविया का पाउडर बनाया जा रहा है जिसमें कड़वापन या आफ्टर टेस्ट नहीं रहता है। मगर जो उससे ज़्यादा रिफाइंड स्टाविया है या जो स्टाविया का अर्क कई जगह पर इस्तेमाल कर किया जाता है, वह ज़रूर लेने की सिफारिश नहीं की जाएगी। जहाँ स्टेविया के इतने सारे गुण हैं, इतने फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। कई लोगों को स्टाविया लेने के बाद में सिर दर्द, चक्कर आना, पेट दर्द, उल्टी या हाथ पैरों में क्रैम्स आना जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह स्टेविया की सेफ्टी प्रेगनेंसी और स्तनपान कराने वाली माताओं में अभी तक निश्चित नहीं हुई है, तो बेहतर होगा कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वे स्टेविया का प्रयोग ना करें।